हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल मेहसान स्टार्डस में। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्टर प्रोड्यूसर स्क्रीन प्ले राइटर हरमेश मल्होत्रा के बारे में। यानी हरमेश मल्होत्रा की एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर रिलीज होने वाली तमाम मूवीज़ की डिटेल आप व्यूअर्स को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। व्यूअर, बात करें हरमेश मल्होत्रा की तो एज अ डायरेक्टर उनकी डेब्यू मूवी थी 1969 की मूवी बेटी। लेकिन इस फिल्म को इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली तो फिर उनको तकरीबन 4 साल बाद गद्दार मूवी को बनाने का मौका दिया गया और गद्दार मूवी बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही। और अगर हम हरमेश मल्होत्रा की बेस्ट मूवीज़ की बात करें तो उनमें अमर शक्ति, पत्थर और पायल, चोरों की बारात, नगीना, निगाहें, विद्रोही, दूल्हे राजा और उनकी एज अ डायरेक्टर लास्ट मूवी है खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे। तो व्यूअर, एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर हम हरमेश मल्होत्रा का कंप्लीट बॉक्स ऑफिस करियर आप व्यूअर के सामने शेयर करने जा रहे हैं। और हमारा ये आज का वीडियो भी हमारे चैनल के बहुत सारे व्यूअर्स की विश पर बनाया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि दीगर व्यूअर्स को भी ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स ही हमारी असल अर्निंग है। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस किस्म की दिलचस्प वीडियोस आप व्यूअर्स के लिए हम बनाते रहते हैं। तो चलें फ्रेंड, शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। तो व्यूअर, एज अ डायरेक्टर हरमेश मल्होत्रा की डेब्यू मूवी थी बेटी। फिल्म की लीड कास्ट में संजय खान, नंदा, कामनी कौशल और राजेंद्र नाथ शामिल थे। और 1969 में रिलीज होने वाली मूवी बेटी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। अपनी पहली फिल्म की नाकामी के बाद हरमेश मल्होत्रा को सेकंड डायरेक्शन के लिए मूवी मिली 4 साल बाद। फिल्म थी गद्दार और फिल्म की लीड कास्ट में योगिता बाली, विनोद खन्ना, प्राण रंजीत और राम मोहन शामिल थे। और 1973 में रिलीज होने वाली गद्दार बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई थी। हरमेश मल्होत्रा की डायरेक्शन में बनने वाली नेक्स्ट मूवी है पत्थर और पायल। फिल्म की लीड कास्ट में धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, विनोद खन्ना, अजीत और राजेंद्र नाथ शामिल थे। और ये फिल्म 13 अगस्त 1974 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर पत्थर और पायल एक सीमित हिट फिल्म साबित हुई थी। हरमेश मल्होत्रा की डायरेक्शन में बनने वाली नेक्स्ट मूवी है लफंगे। इस फिल्म की लीड कास्ट में रणधीर कपूर, मुमताज, प्राण, सुजीत कुमार, आशा सचदेव शामिल थे। और 1975 में रिलीज होने वाली इस फिल्म में पहली बार रणधीर कपूर और मुमताज को स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला था। और ये रणधीर कपूर की विश पर मुमताज ने उनके साथ ये फिल्म की थी और बॉक्स ऑफिस पर लफंगे एक एवरेज मूवी साबित हुई थी। हरमेश मल्होत्रा की डायरेक्शन में बनने वाली नेक्स्ट मूवी है संग्राम। फिल्म की लीड कास्ट में शत्रुघ्न सिन्हा, रीना रॉय, अजीत, पूर्णिमा और डेनी शामिल थे। और यह फिल्म 1976 में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर संग्राम एक अबव एवरेज मूवी साबित हुई थी। हरमेश मल्होत्रा की डायरेक्शन में बनने वाली नेक्स्ट मूवी थी फांसी। फिल्म की लीड कास्ट में शशि कपूर, सुलक्षणा पंडित, प्राण, बी एम वयान और रंजीत शामिल थे। और 9 मार्च 1978 को रिलीज होने वाली ये एक लो बजट मूवी थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये एक हिट फिल्म का स्टेटस हासिल कर पाती है। हरमेश मल्होत्रा की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी है अमर शक्ति। फिल्म की लीड कास्ट में शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, सुलक्षणा पंडित, अलका, ओम शिवपुरी शामिल थे। और ये फिल्म 1978 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर अमर शक्ति को एक एवरेज मूवी का स्टेटस दिया गया। हरमेश मल्होत्रा की डायरेक्शन में बनने वाली नेक्स्ट मूवी थी बगुला भगत। फिल्म की लीड कास्ट में अशोक कुमार, शबाना आजमी, शत्रुघ्न सिन्हा, कामनी कौशल और महमूद जूनियर शामिल थे। और 1979 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर बगुला भगत ये एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। हरमेश मल्होत्रा की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी थी चोरों की बारात। फिल्म की लीड कास्ट में शत्रुघ्न सिन्हा, नीतू सिंह, रंजीत, जीवन और डेनी शामिल थे। और 23 मई 1980 को रिलीज होने वाली चोरों की बारात ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई थी। हरमेश मल्होत्रा की डायरेक्शन में बनने वाली नेक्स्ट मूवी थी पूनम। फिल्म की लीड कास्ट में राज बब्बर, पूनम ढिल्लों, शक्ति कपूर, उर्मिला भट्ट और बीरबल शामिल थे। और 1981 में रिलीज होने वाली इस फिल्म का टाइटल फिल्म की हीरोइन पूनम ढिल्लों से मैच कर रहा था, तो उनकी ख्वाहिश थी कि फिल्म का टाइटल चेंज किया जाए, लेकिन डायरेक्टर इस फिल्म के टाइटल को चेंज करने के लिए तैयार न हुए। बिलआखिर इस फिल्म में काम किया पूनम ढिल्लों ने और बॉक्स ऑफिस पर पूनम एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। और व्यूअर, हरमेश मल्होत्रा की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी थी राज। फिल्म की लीड कास्ट में राज बब्बर, सुलक्षणा पंडित, भारत कपूर, सुजीत कुमार और सारिका शामिल थे। और यह फिल्म 4 सितंबर 1981 पर रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर राज एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई थी। हरमेश मल्होत्रा की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी थी आपस की बात। फिल्म की लीड कास्ट में राज बब्बर, पूनम ढिल्लों, शक्ति कपूर, भारत कपूर, असरानी शामिल थे। और यह फिल्म 21 नवंबर 1981 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर आपस की बात एक बिलो एवरेज मूवी करार दी गई थी। हरमेश मल्होत्रा की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी थी मंगल पांडे। फिल्म की लीड कास्ट में शत्रुघ्न सिन्हा, परवीन बॉबी,
नीता मेहरा, कादिर खान, अजीत खान और जगदीप शामिल थे और यह फिल्म 14 जनवरी 1983 को रिलीज हुई। बॉक्स ऑफिस पर मंगल पांडे एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। हरमेश मल्होत्रा की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी थी फांसी के बाद। फिल्म की लीड कास्ट में शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, शक्ति कपूर, अमरीश पुरी, जगदीप शामिल थे और 1985 को रिलीज होने वाली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। हरमेश मल्होत्रा की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी थी नगीना। फिल्म की लीड कास्ट में श्रीदेवी, ऋषि कपूर, कोमल, अमरीश पुरी और प्रेम चोपड़ा शामिल थे और यह फिल्म 28 नवंबर 1986 को रिलीज हुई और इस फिल्म का बजट था 1 करोड़ 92 लाख और इस फिल्म ने इंडिया में 4 करोड़ 75 लाख के कलेक्शन किए और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 9 करोड़ 50 लाख और बॉक्स ऑफिस पर नगीना एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। हरमेश मल्होत्रा की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी थी खजाना। फिल्म की लीड कास्ट में रणधीर कपूर, रेखा, बिंदु, रंजीत और मदन पुरी शामिल थे और यह फिल्म 1987 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर खजाना एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। और फ्रेंड इसी तरह हरमेश मल्होत्रा की डायरेक्शन में बनी फिल्म थी शेरनी। फिल्म की लीड कास्ट में श्रीदेवी, प्राण, शत्रुघ्न सिन्हा शामिल थे और यह फिल्म 13 मई 1988 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर शेरनी एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई थी। हरमेश मल्होत्रा की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी थी धर्मशत्रु। फिल्म की लीड कास्ट में शत्रुघ्न सिन्हा, रीना रॉय, निरूपा रॉय और महेश आनंद शामिल थे और यह फिल्म 1988 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर धर्मशत्रु एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। हरमेश मल्होत्रा की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी निगाहें, ये नगीना मूवी का पार्ट 2 था। फिल्म की लीड कास्ट में श्रीदेवी, सनी देओल, अनुपम खेर, प्राण, गुलशन ग्रोवर शामिल थे और यह फिल्म 11 अगस्त 1989 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म का बजट था 3 करोड़ और उसने इंडिया में 3 करोड़ 85 लाख के कलेक्शन किए और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को एवरेज मूवी का स्टेटस दिया गया। हरमेश मल्होत्रा की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी थी विद्रोही। फिल्म की लीड कास्ट में शत्रुघ्न सिन्हा, पूनम ढिल्लों, इफ्तिखार, अमरीश पुरी शामिल थे और यह फिल्म 1990 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई। हरमेश मल्होत्रा की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी थी अमीरी गरीबी। फिल्म की लीड कास्ट में जितेंद्र, रेखा, ऋषि कपूर, पूनम ढिल्लों, राज बब्बर, नीलम कोठारी शामिल थे और यह फिल्म 23 मार्च 1990 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट था 1 करोड़ 35 लाख और उसने इंडिया में जस्ट 85 लाख के कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। और फ्रेंड हरमेश मल्होत्रा की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी थी बंजारन। फिल्म की लीड कास्ट में ऋषि कपूर, श्रीदेवी, नीलम कोठारी, प्राण और कुलभूषण खरबंदा, गुलशन ग्रोवर शामिल थे और यह फिल्म 8 नवंबर 1991 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर बंजारन एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई। हरमेश मल्होत्रा की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी थी हीर रांझा। फिल्म की लीड कास्ट में अनिल कपूर, श्रीदेवी, राज रानी शामिल थे और यह फिल्म 4 सितंबर 1992 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर हीर रांझा एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई। और फ्रेंड हरमेश मल्होत्रा की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी थी चीता। फिल्म की लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, यश्वनी भवे, शिखा स्वरूप और प्राण शामिल थे और यह फिल्म 24 जून 1994 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट था 1 करोड़ 85 लाख और उसने इंडिया में 3 करोड़ 61 लाख के कलेक्शन किए और बॉक्स ऑफिस पर चीता एक हिट फिल्म साबित हुई। हरमेश मल्होत्रा की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी थी पापी देवता। फिल्म की लीड कास्ट में धर्मेंद्र, जितेंद्र, जया प्रदा, माधुरी दीक्षित शामिल थे और यह फिल्म 14 मई 1995 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट था 1 करोड़ 50 लाख और उसने इंडिया में जस्ट 92 लाख के कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर साबित हुई। और फ्रेंड हरमेश मल्होत्रा की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी थी किस्मत। फिल्म की लीड कास्ट में गोविंदा, ममता कुलकर्णी शामिल थे और यह फिल्म 16 जून 1995 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट था 2 करोड़ 75 लाख और उसने इंडिया में 2 करोड़ 63 लाख के कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। हरमेश मल्होत्रा की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी थी दूल्हे राजा। फिल्म की लीड कास्ट में गोविंदा, रवीना टंडन, कादर खान, प्रेम चोपड़ा, जॉनी लीवर शामिल थे और यह फिल्म 10 जुलाई 1998 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट था 5 करोड़ और उसने इंडिया में 12 करोड़ 75 लाख के कलेक्शन किए और बॉक्स ऑफिस पर दूल्हे राजा एक हिट फिल्म साबित हुई। और फ्रेंड हरमेश मल्होत्रा की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी थी अखियों से गोली मारे। फिल्म की लीड कास्ट में गोविंदा, रवीना टंडन शामिल थे और यह फिल्म 2 अगस्त 2002 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट था 5 करोड़ 55 लाख और उसने इंडिया में 3 करोड़ 10 लाख के कलेक्शन किए और बॉक्स ऑफिस पर अखियों से गोली मारे एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई थी। और फ्रेंड हरमेश मल्होत्रा की डायरेक्शन में बनने वाली उनकी करियर की लास्ट मूवी खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे। फिल्म की लीड कास्ट में गोविंदा, प्रीति जिंटा, प्रेम चोपड़ा, कादिर खान, महेश बैल, जॉनी लीवर शामिल थे और यह फिल्म 29 अप्रैल 2005 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट था 6 करोड़ 75 लाख और उसने इंडिया में जस्ट 74 लाख के कलेक्शन किए और बॉक्स ऑफिस पर खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे एक डिजास्टर मूवी करार दी गई और यही एज अ डायरेक्टर हरमेश मल्होत्रा की उनकी करियर की आखिरी मूवी भी साबित हुई। और व्यूअर हरमेश मल्होत्रा की कंप्लीट करियर का अगर सक्सेस रेशो निकाले तो उन्होंने एज अ डायरेक्टर 29 मूवीज को डायरेक्ट किया जिनमें से उनकी सिर्फ एक फिल्म सुपरहिट साबित हुई,
चार मूवीज हिट और एक सीमी हिट साबित हुई और उनके कंप्लीट करियर में एक मूवी अबव एवरेज, चार एवरेज और एक मूवी बिलो एवरेज रही और हरमेश मल्होत्रा की डायरेक्शन में बनने वाली 15 मूवीज फ्लॉप और 2 डिजास्टर रही हैं। तो इस हिसाब से हरमेश मल्होत्रा के कंप्लीट करियर का सक्सेस रेशो बनता है 41.38%। तो फ्रेंड जाते जाते एक बार फिर आपसे कहता चलूं कि हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल मेहसान स्टारडस्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही साथ इस बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। हमारा आज का वीडियो देखने का आप तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।